तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में। अगर जो आप 2024 में अपनी फैमिली के लिए एक बेहतरीन सी कार ढूंढ रहे हैं जिसमें काफी अच्छा खासा स्पेस हो, गाड़ी का रुतबा काफी अच्छा खासा हो, गाड़ी की मार्केट में डिमांड काफी अच्छी हो, तो भाई आपके सामने पेश है बिल्कुल नई चमचमाती हुई स्कॉर्पियो एन का Z6 वेरियंट। काफी वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है। अगर जो आप स्कॉर्पियो क्लासिक का बेस वेरियंट लेने जा रहे हैं ना, तो Z6 वेरियंट आपके फैमिली के साथ साथ आपके बजट में भी काफी अच्छे तरीके से फिट हो जाएगी। और ये जो गाड़ी आपके सामने खड़ी है वो डीजल में ही खड़ी है, और डीजल की कीमत की बात करते हैं तो 16,61,000 रुपए की आपको एक्स शोरूम में पड़ जाती है। अगर जो आपको महिंद्रा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो आप हमारे गोरखपुर में सरदार मोटर पे आके विजिट कर सकते हैं, जिनकी कॉन्टेक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर जो आप इस गाड़ी की बात करेंगे तो ऐसे कुछ आपको दो की जो है वो देखने को मिल जाती है। 3 बटन मिल जाएंगे लॉक करने के साथ साथ। पीछे देखेंगे महिंद्रा का लोगो जो है वो ऑफर किया गया है। फ्लिप की मिल जाती है, तो ऐसे कुछ आपको महिंद्रा की हर गाड़ियों में की ऑफर की गई है। और इतनी बड़ी गाड़ी के साथ भाई स्कॉर्पियो जो नाम जुड़ा है उस वजह से इस गाड़ी का जो रुतबा है काफी बढ़ जाता है। उसके साथ साथ जो इसके फ्रंट में ग्रिल यूज किए गए हैं इस वजह से गाड़ी काफी हाईलाइट हो रही है। ये पूरा आपको सिल्वर फिनिश का यूज देखने को मिल जाएगा। महिंद्रा का लोगो बीच में जो है वो ऑफर किया गया है। और जिस हिसाब से भाई Z6 वेरिएंट है उस हिसाब से तो आपको फॉग लैंप नहीं मिलेगा, पर यह है कि बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन सी हेडलैम्प यूनिट जो है वो यूज की गई है। लो बीमा और हाई बीमा आप यहीं से यूज कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है। फ्रंट से गाड़ी ऐसे नजर आती है। अगर जो आप इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से भी गाड़ी काफी बेहतरीन और काफी शानदार लगती है। कंपनी फिटेड आपको व्हील कैप जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के चारों तरफ आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। साइड में अगर जो आप टायर साइज की बात करेंगे तो अपोलो के ट्यूबलेस टायर मिलेंगे 245/65/R17 इंच के साथ आपको नॉर्मल से स्टील रिम मिल जाएगी। साइड में देखेंगे तो साइड मोल्डिंग वगैरह का भी काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। गाड़ी के हिसाब से काफी बड़ा सा ORVM जो है वो ऑफर किया गया है। टर्न इंडिकेटर के साथ काफी बड़ी सी रूफ रेल जो है वो ऑफर की गई है। जिस हिसाब से आप इस गाड़ी में बजट लगा रहे हैं उस हिसाब से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो भी ऑफर किया गया है। बॉडी कलर आपको डोर हैंडल जो है वो देखने को मिल जाते हैं। धीरे धीरे जब आप इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल में आते हैं तो रियर से भी गाड़ी काफी बेहतरीन और काफी शानदार लगती है। व्हील कवर नहीं लगा हुआ है तो उस वजह से गाड़ी थोड़ी बेकार लग रही है, पर व्हील कवर जो है वो आपको कंपनी फिटेड मिलता है। उसके बाद Z6 वेरिएंट में आपको वाइपर डिफोगर हाई माउंट स्टॉप लैंप के साथ साथ स्पॉइलर सरफिंग एंटीना जैसे तमाम फीचर जो है इसके रियर में भी ऑफर किए गए हैं। बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन से टेल लैंप यूनिट जो है वो देखने को मिल जाती है। ये पूरी ब्रेक वाली यूनिट, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप इसका यहाँ पे ऑफर किया गया है। रियर में भी इसके टोन हुक ऑफर किए गए हैं। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएगा, और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है जैसे मान लीजिए 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, कोई भी सामान या गाड़ी रहती है, जब आप गाड़ी को बैग लेते हैं तो गाड़ी टू करके आपको बताती रहती है कि जो गाड़ी है वो टच होने वाली है। अगर जो आप इसकी बूट स्पेस की बात करेंगे तो आप यहाँ से इसका बूट डोर खोल सकते हैं, जो कि हाइड्रोलिक सेटअप आता है। इसमें छोटा मोटा सामान रखना है तो आप यहाँ पे छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। वैसे लॉन्ग टूर पर जाना चाहते हैं तो इस सीट को आप फोल्ड भी कर सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। यहाँ देखेंगे तो सिल्वर फिनिश के साथ डोर ओपनर्स मिल जाते हैं और सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं। तो हैं गाड़ी के साथ साथ टूल किट्स वगैरह भी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो चलिए अब आपको इसका इंटीरियर प्रोफाइल दिखाते हैं, इसके इंटीरियर में आपको क्या कुछ मिल जाते हैं। और भाई जहां बात आ जाती है 6 सीटर या 7 सीटर की, तो सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि इसके थर्ड रो में कितना स्पेस है। चलिए इसके थर्ड रो के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड रो में बैठेंगे ठीक ठाक है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, ग्रेबेंडर्स भी आपको पकड़ने के लिए दिया गया है। यहाँ देखेंगे तो काफ़ी बड़ा सा आपको मिरर मिल जाता है, आप यहाँ से बैठ के काफ़ी अच्छा फील और बाहर से बाहर ताक झाक कर सकते हैं। स्टोरेज दिया गया है, फ़ोन वगैरह रखना तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ऐसा कुछ है का फोल्डर वगैरह नहीं दिया गया है, टू वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट वगैरह नहीं दिए गए हैं। चलिए अब बारी है इसके सेकंड रो के बारे में। चलिए अब आपको बता देते हैं इसके सेकंड रो के बारे में। डुअल थीम के साथ आपको इसका डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा। आप यहीं से मिरर अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो काफी हैवी सा डोर हैंडल जो है वो ऑफर किया गया है। बोटर होल्डर स्पीकर जो है वो भी ऑफर की गई है। सीट पे जब आप नजर डालते हैं तो डुअल टोन फैब्रिक की सीट मिल जाएगी। कुशनिंग वगैरह सीट की काफी अच्छी है, हालांकि बैठने के लिए तो 3 लोगों के लिए दिया गया है, पर 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। स्पेस काफी अच्छा खासा है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। और जब आप सीट पे बैठते हैं तो नो डाउट थाई सपोर्ट आपको काफी अच्छा खासा मिल जाएगा। लेग रूम भी आपको काफी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। स्पेस वगैरह काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। सेंटर में आपको 2.AC वेंट्स ऑफर किए गए हैं। और ये हो गए इसके कंट्रोल्स का, आपको टाइप सी केबल का जो ऑप्शन है वो ऑफर किया गया है। दोनों साइड आपको ग्रैब हैंडल्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ऊपर आपको LED लाइट जो है वो ऑफर की गई है। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS, EBD, 2 एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग जैसे तमाम सेफ्टी फीचर इस गाड़ी में ऑफर किए गए हैं। और ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक सनरूफ,
जिसे आप वन टच करके ओपन कर सकते हैं। चलिए वो भी खोल के दिखाते हैं और आगे क्या कुछ ऑफर किया गया है उसके बारे में मैं आपको बता देते हैं। सबसे पहले जब आप इसका फ्रंट वाला डोर खोलते हैं तो वही सारी थीम जो है वो देखने को मिल जाती है। बोतल होल्डर आपको एक एक्स्ट्रा चीज देखने को मिल जाएगा, चारों पावर विंडो, आप यहीं से मिरर को जो है इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर सकते हैं। सीट की बात करेंगे तो डुअल टोन मिलेगा, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, हाइट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ लंबर सपोर्ट जो है वो भी ऑफर किया गया है। यहाँ पे आपको हेडरेस्ट का कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाता है। गाड़ी में बैठते हैं, क्या कुछ ऑफर किया गया उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और काफी बेहतरीन सी MID जो है वो ऑफर की गई है। स्पीडोमीटर के साथ साथ टेकोमीटर जो है वो भी ऑफर कर दिया जाता है। उसके साथ साथ जैसे मान लीजिए गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप, AB, माइलेज वगैरह के बारे में चेक करना हो तो आप इस बटन को प्रेस करके चेक कर सकते हैं। और इस Z6 वेरिएंट से ही क्रूज कंट्रोल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी साइड आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जैसे कि वॉल्यूम अप डाउन करना हो, वॉइस कमांड जैसे तमाम फीचर आपको स्टीयरिंग पे मिल जाएगा। हेडलैम्प्स के कंट्रोल यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाता है। स्पीड अलर्ट वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, क्रैश सेंसर जैसे जो अलर्ट्स हैं आपको इसके MID में ही देखने को मिल जाएगा। और जैसे मान लीजिए यहीं से आप सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ले सकते हैं। लेआउट वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप यहीं से सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ देखेंगे तो इतनी छोटी जगह में भी आप मैप जो है वो भी चला सकते हैं। गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छा खासा डैशबोर्ड जो है वो ऑफर किया गया है। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो टिल्ट बे में आप स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको हैंडल मिल जाएगा, इसको पकड़ के आप आसानी से गाड़ी के अंदर आ सकते हैं। उसके बाद ऊपर देखते हैं तो दोनों साइड आपको नॉर्मल सा सनसेट जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये हो गया इसका डे नाइट IRBM। सनग्लास होल्डर के साथ साथ LED लाइट जो है वो ऑफर की गई है। और ऐसे वन टच करेंगे तो जो आपका सनरूफ है वो ओपन हो जाता है। जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। और उसके साथ साथ इसे बंद कर देते हैं तो वन टच करेंगे तो ये जो है वो बंद हो जाता है। कंसोल पे नजर डालेंगे तो ग्रे फिनिश के साथ आपको इसका ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है। आपको फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है एंड्रॉइड ऑटो प्ले के साथ। और जैसा कि नेविगेशन वगैरह सारी चीजें आप यहां से इसे फोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड्रॉइड वाले से। और आप नेविगेशन वगैरह सारी चीज़ें चेक करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑन करके सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं। ये हो गए तमाम बटन्स जिन्हें आप वॉल्यूम अप डाउन वगैरह करना तो आप यहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो दोनों साइड में आपको 2 AC वेंट्स ऑफर किए गए हैं। ये हो गए AC के कंट्रोल्स, तो आप यहीं से फैन स्पीड जो है वो बढ़ा सकते हैं। और आपकी ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए 3 मोड जो है वो देखने को मिल जाता है। जीप, जैप, जूम के 3 मोड्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ साथ हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और हजार लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली जो बटन है यहाँ पे ऑफर की गई है। दो आपको चार्जिंग पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। स्टोरेज दिए गए हैं। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक के जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाएगा। 2 कप होल्डर, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, क्रोम इंसर्ट के साथ, आर्मरेस्ट ऑफर किया गया है स्टोरेज के साथ में। ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छा खासा ग्लव बॉक्स जो है वो ऑफर किया गया है। तड़कता भड़कता फीचर नहीं चाहिए, 4Y वगैरह नहीं लेना है तो Z6 वेरिएंट आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है। चलिए इसके इंजन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर जो आप महिंद्रा स्कॉर्पियो N में आने वाले इंजन की बात करते हैं तो ये डीजल इंजन है जो कि 2.2 लीटर का 4-सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है। अगर जो आप इसकी पावर की बात करेंगे तो आपको 200 BHP की पावर निकालता है और 370 Nm का टॉर्क निकालता है। अगर जो आप माइलेज की बात करें तो कंपनी आपको 15 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। तो दोस्तों ये थे गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर ऑल डिटेल। ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष का रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं।